सर क्या कहना चाहेंगे आज आपकी फिल्म का अलाउंस है, किस तरह की फिल्म है, क्या कैरेक्टर है आपका, कुछ बताएंगे? सबसे पहले मैं तो जितने भी पूजा कर सकूँ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हाँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं इस फिल्म से जुड़ा हूँ, इसका टाइटल जान ले ले का जान बन के, ये सारा क्रेडिट रंजीत सर को जाता है और इन प्रोड्यूसर हमारे संतोष जी हैं। इस फिल्म में मैं एज ए हीरो का नाम और बहुत अच्छी स्टोरी है। ज़्यादा स्टोरी के बारे में मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा, बट अच्छी स्टोरी है, जब बनेगी आप लोग देखेंगे, इसको सराहेंगे। कितनी तैयारी की है आपने कैरेक्टर को लेके, और आप कहाँ से हैं, कुछ अपना बैकग्राउंड बताइए। तैयारी तो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, और जब से मैं ये स्टोरी को सुना, कहानी को सुना, तो उस कैरेक्टर में अपने आप को फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेट पर जाऊँ तो पूरी मेहनत से जाऊँ और मेहनत वहाँ दिखे। मैं कर रहा हूँ मेहनत, और मैं बिलोंग करता हूँ पटना बिहार से। फिल्मों में आने का कैसे सोचा आपने कि मैं फिल्मों में आऊँ? बचपन से ही शौक था मुझे ऐसी फील्ड में काम करना है। तो अभी आप शौक बढ़ता चला गया, लोग मिलते चले गए, लोगों से कॉन्टेक्ट होता चला गया, बस ये होता चला गया। तो अभी आपका शौक पूरा हो रहा है, तो आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके परिवार में, आपके लोगों में, दोस्तों में कुछ होता है? अच्छा लग रहा है, लोग खुश हैं, परिवार भी खुश हैं, हमारे जितने दोस्त कलीग सब बहुत अच्छे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। अब फिल्म की शूटिंग का क्या सोचे हैं, कब होने वाली है? ये नेक्स्ट मंथ 15 अक्टूबर से हम लोग यूपी में प्लान कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब। और डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, कैसे डायरेक्टर हैं आपका, कॉम्बिनेशन कैसा है उनके साथ? मित्री हैं रंजीत महापात्रा जी, इनके साथ मैंने 2 फिल्में पीछे किया है, एक साथ जी नमस्ते और नचनिया, और तीसरा भी मैं करने जा रहा हूँ। तो और फिल्म के बारे में गाने कैसे होंगे? भोजपुरी सिनेमा में गाने बहुत, फिल्म को गाने ही लेके जाते हैं, तो गाने पर क्या तैयारी की है? गाने पर तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, सारे मेलोडीज गाने होंगे, जो कर्म हो गए सुनने में बहुत सोबर होंगे। मैं तो अलग नहीं कहूँगा कि अलग होगा भोजपुरी से, लेकिन जो भोजपुरी का ट्रैक चल रहा है अभी उसी से मिलता जुलता होगा। मैम आप क्या कहेंगे, आप फिल्म से आप बैठी हुई हैं, जुड़ी हैं, तो क्या फिल्म के बारे में कुछ जानती हैं? मैं सुधीर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस फिल्म के लिए। एक्चुअली मैं सुधीर जी के साथ हिंदी फिल्म कर चुकी हूँ, मेरा हिंदी फिल्म का नाम भूल था, और भोजपुरी में हालाँकि मैंने अभी कुछ किया नहीं है, तो आगे मैं सोच रही हूँ आगे मैं करने का। डायरेक्टर सर भी मेरे फुल सपोर्ट में हैं जी। मैं बिलोंग करती हूँ भागलपुर बिहार से, और बस सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस फिल्म के लिए। थैंक यू। और आप कैसे बॉलीवुड सिनेमा में आई हैं, और कैसे जी, आपका जी, सपना इसका सारा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर सर रंजीत पात्रा जी को जाता है, उन्होंने ही मुझे फिल्म से डेब्यू कराया है फिल्म से, और भोजपुरी के लिए मैं अभी कर रही हूँ तैयारी। क्या भोजपुरी सिनेमा कैसा लगता है आपको? जी वो तो हमारा रीजनल है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, मैं आगे करना ही भी चाहूँगी। तो आपने बॉलीवुड चूज़ किया है, आपने भोजपुरी सिनेमा नहीं किया अभी तक? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक आर्टिस्ट के लिए बॉलीवुड और भोजपुरी ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। मैं हर फील्ड में काम करना चाहूँगी, फ्यूचर में मुझे अगर साउथ की फिल्में मिले तो वो भी मैं करना चाहूँगी, मैं हर फिल्म में इंटरेस्टेड। तो इनके सिनेमा में क्यों नहीं है आप? जी वो तो अभी सर बताएंगे, कुछ कन्फर्मेशन है नहीं, मे भी आगे कुछ हो सकता है। सर आपने जान क्यों नहीं ली इनकी, जान ले वो फिल्म का नाम? ऐसा मौका ही अभी नहीं मिला, मौका मिला तो मैं। आप लेना चाहेंगे, इतनी खूबसूरत आपके सामने बैठी हैं, क्यों नहीं लेना चाहेंगे आप? तो साइन कर लें फिर उसने। ये तो सर प्रोड्यूसर सर है, डायरेक्टर सर है, उनका डिसाइड है, पता है क्या करना है नहीं करना है। और दर्शकों से क्या कहेंगे आप? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत मेहनत करके इस जगह तक अभी पहुँचा हूँ मैं, और सारे टीम जो अभी जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर कभी भी ये प्रोजेक्ट तैयार होकर आपके बीच आता है इसको एक बार जरूर देखिए। हाँ, इसको बहुत प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच सर। आज फिल्म का अनाउंसमेंट है, और आप प्रोड्यूसर हैं, तो किस तरह की कहानी आप बना रहे हैं कुछ इसके बारे में? नमस्ते, लव स्टोरी के मात्रा जी है, कई स्टोरी क्या स्टोरी फिल्म है और क्या बताएं इसके बारे में।
कैसे प्लान किया आपने बनाने का? प्रोड्यूसर जो होता है वो फिल्म के जो हीरो है हमारे अभिषेक अरविंद, उन्होंने मुझे बताया, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं अरविंद जी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कीजिए सर, उससे पहले 15 साल पहले दोस्ती है हमारी, उन्होंने बहुत मतलब 6-7 महीने से बोल रहे थे कि चलिए भोजपुरी फिल्म कीजिए, भोजपुरी फिल्म कीजिए। तो पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला, फिर मैं इंटरेस्टेड हुआ, फिर मैं बोला चलो ठीक है कर लेते हैं, फिर इनकी वजह से कर। क्या प्लान किया है आपने हीरो हीरोइन को लेके? कुछ प्लान क्या करेंगे, हमारे डायरेक्टर साहब प्लान करेंगे। डायरेक्टर साहब आप बताइए। एक्चुअली है क्या कि अभी जो हमारी फिल्म बन रही है, तो आप भी जानते हैं कि आज के डेट में अभी या तो कमर्शियल फिल्में चलती हैं, नहीं तो कॉमेडी फिल्में चलती हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने सोचा ऐसा फिल्म बनाए जो घर में माँ बहन भाई सब कोई साथ में बैठ कर देख सके, कंप्लीट मनोरंजक फिल्म, उसमें कोई गंदगी ना हो। भोजपुरी का जो छाप है अभी, जैसे ही भोजपुरी मुंबई में ही अगर बोल दीजिए कि हम भोजपुरी फिल्में करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो एक गलत तरीके से आँखें दूसरी हो जाती हैं देखने के लिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ को थोड़ा अलग किया जाए, और हमारे काफ़ी साथी निर्माता निर्देशक लोग ऐसा सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, जिसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है दर्शकों से। तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सब कोई देख सके, सब कोई अपने आप में महसूस कर सके, उसका एक एक किरदार जो भी देखे वो समझ सके। इसी सिलसिले में हमने एक फिल्म के बारे में, एक स्टोरी के बारे में सोचा। तो क्या है कॉन्सेप्ट आपकी फिल्म का? कॉन्सेप्ट कहीं भी, अब मान लीजिए कि प्यार का नाम सारे लोग जानते हैं कि अच्छा ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, शादी होगी। लेकिन इस हमारे फिल्म में जान ले लेबू का जान बन के कम्प्लीट अलग है, ये उल्टा होगा। पूरी स्टोरी तो डिफाइन नहीं कर सकता अभी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चरण में हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो लोग सोचते हैं उसके उल्टा होगा इसमें। शूट करने का कहाँ प्लान किया है आपने? ये लखनऊ में ही शूट करेंगे, पूरी फिल्म लखनऊ में शूट। जी, और हीरो के अलावा वो स्टार कास्ट की बात करें तो भोजपुरी सिनेमा के क्या स्टार कास्ट होंगे उसमें? रत्नेश बर्नवाल होंगे कॉमेडी के लिए, सुजीत सार्थक होंगे, राजेश जी होंगे, राजेश गुप्ता सर जो माइंड डिपार्टमेंट के मालिक हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, सुधीर कमल हैं, जोया खान संभवतः जोया खान। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। जय मिला जुला का तो सबसे पहले अगर राजेश सिंह लगे बैठ के लगाए, अभी तक जितना हमने बात करी है सर हिंदी में बात करी है, फिल्म हमने के भोजपुरी बात तो भोजपुरी में बोलने तो बढ़िया भाई, अच्छा मित्र होना सही। सबसे बड़ी बात तो भोजपुरी में बोला, भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो, फिल्म में होती क्या है, एक हीरो होते हैं, एक हीरोइन होती है, एक विलेन होती है, लेकिन ओकरा के सजावल हर एक डायरेक्टर का अलग अलग रोल होला, अलग अलग तरीके से लोग सजावेला, वेला वही काम, प्यार भी होला, नफरत भी होला, झगड़ा झड़ाई झगड़ा हुई तू का कर रहा है स्पेशल को तो, लेकिन हर डायरेक्टर अपना अपना तरीके से लोग सजावेला। अब इनकी खूबसूरती है कि ओकरा के मतलब कॉमेडी में सजावे ना, और मतलब देखे में मतलब अच्छा लगे। खैर आज के डेट में बहुत बढ़िया पार्टी कि भोजपुरी का थोड़ा सा उत्थान होता है, जो अश्लीलता अश्लीलता लोग कहते रहते हो अश्लीलता खत्म हो गए, और बहुत अच्छा बात है, शायद भगवान लग करे कि हमने के दूसरा एक साल के बाद हमने के देखी सर कि हाँ भोजपुरी के एक लेवल पहुँचे। आप कैसे जुड़े हैं इस सिनेमा से अपने भैया? देखा रंजीत जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने पहली पिक्चर में बोला है साढ़ू जी नमस्ते, मैं जाके आया करके आया, मुझे अच्छा लगा होंगे। लेकिन अब कैरेक्टर्स को कहाँ फिट करना है वो तो डायरेक्टर ही बता सकते हैं। तो अभी आपको कुछ आपकी स्टोरी को कुछ रिवील किया है इस फिल्म में, ये एंग्लो इंडियन बन गए। ओके, तो आपने कुछ इस पे काम किया है अपने कैरेक्टर पे कुछ? देखिए अभी है ये इनका टाइम है, अभी 15 अक्टूबर से ये शूट होने वाली है, उसके पहले रह जाती है कि दो प्रोजेक्ट और हैं जो हम लोग 20 तारीख से शायद करने वाले हैं, भाई वर्धक होती है हमारे से जा रहे, तो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं उसके डिस्कशन अभी तो प्री प्रोडक्शन चल रहा है, प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे काम हो रहे हैं,
जो रिवील होएगी थोड़ी देर में। थैंक यू सर। थैंक यू। जान ले ले बुका जान बन के और इसके प्रोड्यूसर हैं हमारे संतोष कुमार राय जी, जो बहुत सारे हिंदी फिल्मों के प्रोडक्शन मैनेजर रह चुके हैं। क्या बात है। बैनर का जो नाम है, जिस बैनर पे हमारी ये फिल्म बन रही है, त्रिशा फिल्म्स प्रोडक्शन, और हमारे साथी ये हैं अरविंद जी। अरविंद जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्या कैरेक्टर है आपका? हाँ सर, मैं अरविंद पंडित और मैं बिहार पटना से हूँ, और ये फिल्म को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये हमारे फ्रेंड रंजीत महापात्रा जी हमको इस फिल्म के लिए हमको साइन किए हैं, और हमारे दोस्त हैं संतोष जी, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो भी बहुत हमसे जुड़े हुए बहुत पहले से, वो भी काफ़ी दिनों से हमसे कह रहे थे कि अरविंद जी एक फिल्म कीजिए, भोजपुरी फिल्म कीजिए, तो फिर हम लोग तैयारी किए हैं और आज इसका शुभारम्भ कर रहे हैं हम लोग। जान ले लू जान बन के, जान लेगू का जान बन के। आपका कुछ कैरेक्टर इसमें क्या है? इसमें मेरा मेन भूमिका है हीरो, आज हीरो। क्या बात है। तो जोया जी आप क्या कर रही हैं फिल्म में? सबसे पहले देखने वाले सारे दर्शकों को दिल से जोया खान का नमस्कार प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली इस फिल्म का मुहूर्त हो चुका है, जान लेबू का जान बन के, और ये त्रिशा फिल्म प्रोडक्शन से प्रस्तुत की जा रही है, और इसके प्रोड्यूसर संतोष जी हैं, और इसके डायरेक्टर आप लोगों के सामने बैठे हैं रंजीत जी। सो नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मुझे सुन के बहुत प्राउड फील हुआ कि सर ने मुझे सिलेक्ट किया इस फिल्म के लिए, और एज ए जो इसमें भूमिका मेरा है, माइंड ब्लोइंग मैं फील अभी कर रही हूँ बताते वक्त, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छा किरदार है, मज़ा आएगा मुझे फील क्या बोलते हैं प्ले करके। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, उम्मीद करते हैं सर के साथ, और हमारे हीरो जो हमारे साथ बैठे हैं और एक और हीरो हैं। सो बहुत अच्छा, मतलब लव स्टोरी टाइप की है, अच्छी कॉन्सेप्ट है। एक बात मैं बता दूं, जिस दिन मैं इनको नैरेट कर रहा था स्टोरी ना, तो मैंने देखा मैं पाँच मिनट लगे होंगे, पाँच मिनट में तीन बार इन्होंने रोया। क्या फिल्म में रोने वाली है? नहीं, मतलब इमोशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑडियंस के दिल तक पहुंचेगी वो जो ये मैसेज देना चाहते हैं, और जो इनका कॉन्सेप्ट है सबके दिलों पे उतर जाएगी, बोला जाए तो सबकी आंखों में आंसू आ जाएगी जब लास्ट का क्लाइमेक्स चलेगा। तो सो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट सर ने बनाया। अभी नहीं आ सकती क्योंकि अभी मुहूर्त हुई है ना, अभी हैप्पी हैप्पी मोमेंट है, सो आंसू आने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, शूट पे आकर मेकअप खराब हो जाएगा फिर क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है हमारे ऑडियंस के प्यार की वजह से, और इतने कम टाइम में इतना सारा प्यार मिला तो फिर ब्यूटी तो बनना ही है, तो कोई मेकअप मेकअप खराब नहीं होने वाला है, नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके लाइन में रहे हैं, तो इसके लिए कैसे वक्त निकालेंगे आप? शूट होने वाला है। हाँ, इसलिए मैंने सर से बोला कि सर बहुत जल्दी जल्दी आप इसको लॉक कर दीजिए, नहीं तो आपको डेट मिलेगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यू बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आ चुकी हैं और कंटिन्यू बहुत सारी प्रोजेक्ट्स फ्लोर पे हैं। सो आप लोगों के प्यार की वजह से अभी माशाल्लाह टच गुड बहुत बिजी हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद दुलार बनाए रखिए कि मैं ऐसे बिजी रहूँ। जी, तो क्या प्लान किया है? लखनऊ ऐसे फेमस है, और यूपी बिहार में खास करके शूटिंग के नाम से और शूटिंग की वजह से लखनऊ में बहुत सारी शूटिंग हो रही है, जितनी भी भोजपुरी, क्योंकि सब्सिडी की वजह से, और वहाँ पे फिर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, हमारी फिल्म सर मैं जो बोल रही हूँ बोलने दीजिए, लेकिन आप नहीं चाहते, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कि अभी थिएटर बंद होने के वजह से वो फिल्म भी बनाएंगे तो किस बेस पे बनाएंगे, कुछ तो मतलब इनकम होना चाहिए, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, हर एक बिजनेस बिजनेस होता है, नो डाउट, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग भी बिजनेस कहीं ना कहीं करते होंगे, तो इसलिए थिएटर तो अभी खुले नहीं हैं और बाकी सारे प्लेटफॉर्म तो ऐसे डगमगाते हुए चल रही हैं, तो वही एक ऑप्शन है सब्सिडी, तो इसलिए बहुत सारी फिल्में सब्सिडी के वजह से यूपी में चल रही हैं।
अभी जोया खान क्या कर रही है? अभी जोया खान जस्ट अभी मठ से आ रही है शूटिंग करके. वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गई इस सुबह. किस चीज़ का शूट चल रहा है? एक गाने का शूटिंग किया मैंने, बहुत प्यारा सॉन्ग था. तो जोया के हीरो कौन है? वो नहीं बता सकते क्योंकि जोया ही है इसका. हाँ जोया ही है. अपने फ्रेम की हीरो जोया ही है. और क्या क्या प्रोजेक्ट लाइनअप है? बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स बनी थी, शिकारी होगी, जानलेवू काकू तो ट्रेलर भी रिलीज हो गया, कल्लू की दुल्हनिया, एक छला छे लैला, फिर बेबसी, फिर एक राधा एक मीरा, और फिर दुल्हा धीरे धीरे चली ससुरारी गलिया, सब डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट. तो बस थिएटर खुलने का इंतजार है. जब जैसे ही थिएटर खुलेगा वैसे हमारे फिल्म आप लोगों को पर्दे पे देखने को मिलेगा.